चलो बच्चों नमस्कार। वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। सभी का स्वागत है पार्थ एजुकेशन में। देर से दुरुस्त तो नहीं कह सकता, बट कोशिश कर रहे हैं कि दुरुस्त ही हो जाए सब। तो चलिए, नेट जेआरएफ का एक बहुत बेजोड़ सेशन, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कम से कम आपका जेआरएफ निकल जाए। और अगर इस बार आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो मिठाई का बड़ा वाला डब्बा मेरे नाम होगा, ये मुझे पता है। आज से एक नई कोशिश मैं शुरू कर रहा हूँ एनटीए नेट को लेकर के, एकदम न्यू कोशिश है। जैसा कि आप जानते हैं कि जून के वो टारगेट करते हुए 60 दिन हमारे पास लगभग लगभग शेष बचे हुए हैं। आज या कल में विज्ञापन आ ही जाने वाला है, और जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरने का, तो 60 दिन के अंदर वो एग्ज़ाम तय है, चूंकि पहले से जून की डेट डिसाइडेड है। तो आज से हम एक नया आगाज कर रहे हैं अपने सभी नेट विद्यार्थियों के लिए। मैं पहले से कंफर्म कर दूं कि नेट के साथ साथ ये टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और एलटी के लिए ये मैटर काम करेगा ही करेगा। लेकिन मेरा फोकस्ड है जो विजुअल आर्ट हैं, आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग्स हैं, या किसी भी पैटर्न पर किसी भी मेथड में आपने पीजी किया हुआ है, और अगर विजुअल आर्ट से आप एलिजिबल हैं कि आप नेट की परीक्षा दे पाइए, तो आप सभी के लिए ये सेशन मज़ेदार होने वाला है। इस सेशन में हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, साथ ही साथ कुछ नोट्स आपको देंगे, जो नोट्स का मतलब टू द पॉइंट होगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट्स में दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम ये कोशिश करेंगे कि जो एकदम बहुत लेटेस्ट और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको हम व्याख्या के दौरान या अलग से उसकी एक अलग टॉपिक करके विशेष तथ्य के तहत हम आपको देते जाएंगे। आप उसे तैयार करते जाइएगा, जैसे ही आप तैयार करेंगे आपकी परीक्षा बेहतर हो जाएगी। लगे हाथ एक बात और सुन लीजिए कि हर संडे को सुबह में 8 बजे से 125 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, और यह टेस्ट सीरीज कर्नलगंज थाने के पास हमारे ऑफलाइन सेंटर पर चलती है। किसी भी तरह की तैयारी करने वाले बच्चे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, प्रश्न पढ़िए और प्रश्न का आंसर करने की भरपूर कोशिश करिए कि इसका क्या आंसर एग्जैक्टली हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत बेजोड़ और सामान्य तरीके से प्रश्नों का जवाब आपको देना है। जवाब दीजिए। सवाल देखिए और जवाब दीजिए। त्रिशा शिवानी, देखिए, स्विट्जरलैंड के किस टाइपफेस डिजाइनर द्वारा 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस सेरिक टाइपफेस माने हेवेल्टिका को विकसित किया गया? क्रिएग वार्ड, मैक्स मेंडिगर, स्टीफन सेगारमस्टर और क्रिस्टोफर बुल। जब आप टाइपफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि जो आप टाइप यूज करते हैं, मतलब लेटेस्ट टाइप का, उसके आविष्कार को लेकर के किस तरह के फॉन्ट या फॉर्मेट में डिजाइन करके ये टंकड़ या छापा, जो वर्ड छापा या चित्र छापा या छापा चित्र या प्रिंट मेकिंग का जो पहला प्रोसेस आता है, जहां से प्रिंट मेकिंग या छापा कला की शुरुआत हो रही है, वहां से आप इस चीजों को देखेंगे अगर, तो पहली बार आपको देखिएगा कि चाइना में
लगभग 8वीं सदी के आसपास में पहली बार चाइना में इस तरह के लकड़ी के गुटके का प्रयोग किया गया था, और उसी के बाद चाइना के एक है पेंगसुई, पेंगसुई ने मिट्टी के कई सारे अक्षर लेटर्स बना करके उसे आग में पकाते हैं और फिर उससे वो प्रिंटिंग करते हैं। और बाद में जा करके जर्मनी के एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग ने मेटल का मूवेबल टाइप राइटर का विकास किया, आविष्कार किया, जहां से टंकण या टाइप और छापा के दिशा में एक बेहतर प्रयत्न किया गया। यहां सवाल आपसे पूछा जा रहा हैवेल्टिका के संदर्भ में, और हैवेल्टिका में सीधा सीधा प्रश्न यह है कि टाइपफेस डिजाइनर द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस सेरिफ टाइपफेस की बात कर रहा है। स्पेसिफिक रूप से ये बात जाती है मैक्स मेंडिगर पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो रहा है। और आप लोगों की संख्या अभी मजेदार आई नहीं है, रमेश जी जौनपुर से जुड़ गए हैं, शशि किरण पांडे, शशि किरण, अच्छा शशि किरण चाहे शशिकला, शशि किरण आप हैं, तृषा हैं, शिवानी हैं। ये स्थिति देख करके तो लग रहा है कि क्लास को यहीं पर ब्रेक कर दें, लेकिन कोई बात नहीं है, बर्दाश्त इसलिए हो जा रहा कि देर हम भी हैं। मोहब्बत तुम भी करते थे, मोहब्बत हम भी करते थे, मोहब्बत तुम भी करते थे, मोहब्बत हम भी करते थे, मगर जब दूरियां बढ़ने लगी तो यूं लगा मुझको, सियासत तुम भी करते थे, सियासत हम भी करते थे। तो इस दूरियों को देख करके तो यही पंक्तियां आपको सुपुर्दे खाक करना चाहता हूं मैं। लिखा गया कि कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। ये अभी डेमो की क्लास में या एक्स्ट्रा क्लास में जिसमें हमने मेथड्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, उसमें हमने कलमकारी के बारे में आप सभी से चर्चा किया था कि कलमकारी को लेकर के किस तरह की बातें आपके सामने आ सकती हैं। तो कलमकारी के बारे में बातचीत की गई थी। यहाँ कलमकारी कला एक प्रकार का नहीं है। अब कलमकारी का मतलब कह सकते हैं कि कौन सा रूप कलमकारी का नहीं है। ये जो कांचीपुरम है, कांचीपुरम वस्त्र कला के लिए तो जाना जा रहा, लेकिन मछलीपट्टनम में कलमकारी है, स्त्री कला हस्ती कलमकारी का एक प्रकार है, कर रूप एक तरह से कलमकारी का प्रकार है, लेकिन कांचीपुरम कलमकारी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे कांचीपुरम होगा। कांची भारत के तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ मंदिरों का शहर है ये। कांचीपुरम को भारत में मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ क्या बोला जाता है? मंदिरों का शहर। अब दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था, मंशूर और अबुल हसन, दोस्त मोहम्मद और मंशूर, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, बिहजाद और अब्दुल समद। ये छोटे प्रश्न हैं लेकिन मजबूत प्रश्न हैं। हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल क्लास नहीं हुई थी वंशिका। उन दो फारसी चित्रकारों का नाम आपको बताना है। दो लोगों के नाम में एक नाम ये है मीर सैयद अली और एक नाम है अब्दुल समद सिराजी। इसकी उपाधि आपसे पूछी जाती है, सिराजी। मंशूर के सिराज शहर का था। मंशूर ये पशु पक्षी और प्राकृतिक चित्रण में, पशु पक्षी और प्रकृति चित्रण में निपुण आदमी था। इसी तरह से बिहजाद भी ईरान का बड़ा फेमस कलाकार था, ईरान या फारस का। ऑप्शन सी सवाल करेक्ट हो रहा है। तीसरा सवाल, तीसरा ऑप्शन सवाल क्या है? तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कूलरवा चलाने में बिल जाता है।
कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है, मिश्र कला, पुनर्जागरण कला, यूनानी कला, बाइज़ेंटाइन कला। देखो सवाल का आंसर क्या है, ये पुनर्जागरण कालीन कला है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल कियारस्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? कियारस्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है। ये कराबेजियो है, ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा, जवाब दीजिए। एकदम खूब खूब आशीर्वाद, बढ़ा मोटा स्वस्थ रहा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये एक इटालियन चित्रकार के रूप में इसको मानते हैं, इटालियन, या एक इटालियन कलाकार था। प्रिंटिंग के सही ऐतिहासिक क्रम का चयन करिए, वुडकट, लिथोग्राफी, जायरोग्राफी और सेरीग्राफी। सेरीग्राफी, वुडकट, जायरोग्राफी, लिथोग्राफी। अब यहाँ आपको क्रम बताना है कि कौन सी ग्राफी पहले आती है, किस तरह के ग्राफी का प्रयोग पहली बार किया जाता है। जैसे देखो, अगर हम वुडकट को खोज लेंगे, वुडकट, तो जो वुडकट की टेक्नोलॉजी है ये 18वीं सदी में आती है, ध्यान से पहले सुन लेना, 18वीं सदी में आई है ना। उसके बाद अगर लिथोग्राफी आप देख रहे हैं तो 1910 में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो सेरीग्राफी है ये 1981-80 के आसपास इंट्रोड्यूस होती है। तो अगर इसमें से आप एक तरह से देखना चाहेंगे कि क्या आंसर एग्जैक्ट निकल रहा है, तो वुडकट, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी और जायरोग्राफी, ये चार ऐसे विधियां हैं जिसे हम कह सकते हैं उत्कीर्ण सतह की विधियां। प्रिंट मेकिंग में ये जो चार विधियों का प्रयोग है, इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही कालक्रम का चयन करना है, ये जैन तीर्थांकर हैं। जैन तीर्थांकरों में कौन कब या किस तरह से जैन तीर्थांकर का आप कालक्रम निर्धारित करेंगे? यहाँ कालक्रम आपको जो 24 तीर्थांकर हैं जैन धर्म में, कितने हैं? 24 हैं। और इन 24 तीर्थांकर में सबसे पहले आदिनाथ आते हैं। सबसे पहले तीर्थांकर हैं आदिनाथ, या इन्हीं को कहा जाता है ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभदेव। तो पहले नंबर पर ऋषभदेव आ जाएंगे, उसके बाद अजितनाथ, ये पार्श्वनाथ और महावीर 23वें और 24वें हैं, 23वें और 24वें हैं इसके, ये पहले हैं। दूसरे नंबर पर हैं अजितनाथ, अजितनाथ
उसके बाद आ जाएंगे पार्श्वनाथ, उसके बाद आएंगे पार्श्वनाथ और फिर आएंगे महावीर। तो यही सीरीज है, देखो आदिनाथ किसमें है, ऋषभ, देवजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका दिमाग खराब है वंशिका, सात का भी बता रही हो। ऋषभनाथ पहले हैं, सब एक दूसरे कॉपी कर रहे हैं। सूरज कुमार, राम किशोर, और राम किशोर का मतलब तुम लड़की हो, क्या नाम इस लड़की का है। वंशिका भी सात का ये अच्छा पलट गई, बहुत सही गुरु। अच्छा नहीं, ये तो यही बता रही थी वंशिका। ये है मनीष कुमार पाठक, सी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर और अजीतनाथ। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो ही रही। चलो अगला देख, होश इसमें तो आप लोग खेलते नहीं, इतना गर्मी लग रही, क्या करेंगे। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है। मार्कंडेय पुराण, गीत गोविंद, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण। अभी आप लोग नवरात्रि का व्रत रहे होंगे, वो लोग जवाब दें सवाल का कि महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा के संदर्भ में किसमें बातचीत पहली बार दिखाई दे रही, वर्षा। तो ये मार्कंडेय पुराण है कि स्कंद पुराण है, यही जवाब आपको देना है। मार्कंडेय पुराण में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? देखो आराम बाग का निर्माण करवाया गया था बाबर के द्वारा, ये 1528 में इसकी स्थापना करवाई गई थी। सवाल आपसे पूछा गया कि कहाँ पे स्थापित करवाई गई थी, तो आगरा में करवाई गई थी, ध्यान रखिएगा आगरा में। आगरा से करीब करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। कभी आप जाएंगे 10 रुपया किराया खर्च करके, तो आप जा करके इस बाग में देख सकते हैं कि इसके अलंकरण में पर्शियन कला का प्रयोग किया गया है। पर्शियन माने ईरानी शैली या पर्शियन शैली का प्रयोग किया गया है। इसका जो डिजाइन है, जो बसावट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पर्शियन शैली, बाबर, 1528, आगरा। ऑप्शन आप लोगों ने ठीक किया है। चलिए अगला सवाल की तरफ। सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? पेंसिल का, नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर राड का, चारकोल का और चाक का। सिल्वर राइट पॉइंटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर राड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी चित्रकार है? स्वच्छंदता का मतलब है रोमांसवादी, और रोमांस का मतलब है रोमांटिज्म, रोमांटिज्म, और ये रोमा शब्द से बना हुआ है। इनमें से कौन ऐसा है जो रोमांसवाद के करीब होगा? हेनरी रूसो स्वच्छंदतावादी कलाकार है, कहने से कुछ अलग से बात नहीं है। सवाल है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? आरजी कलिंगबोर्ड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लैंक या फिर ब्रूस डी कर्ज। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट काफी अच्छी पुस्तक है, और इस पुस्तक को लेकर के कई बार मैंने आपको बताया भी है कि ये आरजी कलिंगवुड की किताब है। किसकी है? कलिंगवुड की किताब है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है, फ्लक्स सहायता करता है ऊष्मा बनाए रखने में, संयोजन को बढ़ावा देने में, अशुद्धियों को साफ करने में और सुखाने में। जवाब दीजिए सवाल का, फ्लक्स क्या है? इस फ्लक्स का प्रयोग चित्र का निर्माण करने के लिए जब हम संयोजन को
हाई यूज करना चाहते हैं तो फ्लक्स इसमें सहायता करता है, फ्लक्स इसमें सहायता करता संजो संयोजन को बढ़ावा देने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहां उपयोग किया गया? चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए वर्षा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में किया गया। सरवरी राज चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे? राम किंकर बैद, चिंतामणि, प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राज चौधरी। सरवरी राज चौधरी किसके छात्र थे? जवाब दीजिए। ये प्रदोष दास गुप्ता और शंखो चौधरी दो लोग हैं। शंखो चौधरी प्रदोष दास गुप्ता और शंखो चौधरी तो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। अगला सवाल है दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है एचिंग, पोशाय, प्रफिटी, आईलैंड्स। दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है इसको पोषाय बोला जाता है। दृश्य कला में स्टेंसिल को पोषाय भी कहा जाता है, पोषाय। आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास इस रूप में हुआ है कपड़े पर पैटर्न, कागज पर आकृति, कागज पर टेक्स्ट, बिलबोर्ड पर प्रतीक या सिंबल के रूप में। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है। प्राचीन ग्रंथों में आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीकी का विकास जो है वो कपड़े पर पैटर्न के रूप में किया गया है, ठीक है। कपड़े पर जैसे चित्रलेखा है, चित्तांगदा है, रंगशाला है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसको आप मानेंगे कि कपड़ों के पैटर्न के रूप में यूज किया गया है। नहीं समझ में आ रहा परेशान ना हो, सब समझाएंगे, समय आने दो। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है नंदलाल बोस, कृष्णा रेड्डी मुकुल और चंचल बनर्जी। एचिंग का मतलब होता है अम्लांकन और यह प्रिंट मेकिंग का एक प्रोसेस है और इस प्रिंट मेकिंग को भारत में इंट्रोड्यूस कराने वाले व्यक्ति कौन हैं? प्रिंट मेकिंग माने एचिंग की विधा को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। मुकुल चंद्र डे इस सवाल का सही जवाब होगा और बाद में कृष्णा रेड्डी भी इस मामले से जुड़ेंगे, लेकिन भारत में इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय मुकुल चंद्र डे को दिया जाता है। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण लगभग 1803 में किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस्को रोज द गोजा गोया, विलियम ब्लैंक, चार्ल्स मेरियो और होल्वेन हेंस।
हॉलबिन हंस या हेंस कहते हैं इसको। द गोया आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जे जे स्कूल ऑफ विलियम आ सॉरी यार जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल की पहचान करें। जॉर्ज कीट, पेस्टनजी, बोमांजी, ग्लेस्टोन, सोलोमन या जेनुअल एबेडिन। जवाब देंगे इस सवाल का एग्जैक्टली क्या सही होने वाला है। स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल की पहचान करना है, क्या होगा एग्जैक्ट सवाल का आंसर बता दे फटाफटाफट। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ, लियोनार्डो द विंची की कृति द लास्ट सफर किस माध्यम में चित्रित किया गया है? फ्रेस्को, तैल चित्रण, एक्रेलिक और वाटर। लियोनार्डो द विंची की कृति द लास्ट सफर फ्रेस्को तकनीकी में है। इफ यू नो अबाउट दिस पेंटिंग्स, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? अरविंद टैगोर, अरविंद नाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ग्रुप एट समर्पित है, G8 या इसी को ग्रुप एट कहते हैं। ग्रुप एट जो आर्टिस्ट हैं इसमें कुल 8 ग्राफिक आर्टिस्ट हैं अर्थात छापा कलाकार हैं। ठीक है, कुल 8 छापा कलाकार हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्ता काल। क्या होगा? कुषाण काल की है, अभी जल्दी हमने पढ़ाया है आपको। यह किसने लिखा कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है? सुजैलंगर, अरस्तु, क्रोचे, कलिंगबुड। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि, सुजैन कैटरीना लैंगर इनका नाम है, सुजैन कैटरीना लैंगर जिनको हम इनको बोलते ना, ये सुजैन कहीं कहीं पे कैटरीना लिखा है लेकिन मैं बता दूं कि ये कैथरीन है ना, कैथरीन को ही हिंदी में कहीं कहीं कैटरीना लिखा है। कैटरीना न समझना, ये सुजैन के लैंगर कैथरीन है, कैथरीन ये कैथरीन है, सुजैन कैथरीन लैंगर। सवाल का सही आंसर होगा सुजैन कैथरीन लंगर। और अभी जल्दी मैं ऑफलाइन पढ़ाया था तो किसी बच्ची ने पूछा था कि सर ये मेल है कि फीमेल है, जब हमने पूरा नाम बताया कि अच्छा ये कैथरीन अगर लिख देंगे तब पूछ लोगी कि क्या है मेल है फीमेल है, उसने कहा कि नहीं गुरुजी तब तो समझ ही जाएंगे कि ये फीमेल है, कैथरीना मतलब है का, तो आप भी जान लीजिए भाई ये फीमेल है और कैथरीन नाम है इसका। मार्बल के पत्थर को जलाने से क्या प्राप्त होता है? अब देख लो, विज्ञान की धज्जियां उड़ाने वाला प्रश्न है। अगर एक लाइन में इस असुर चूना लिख देता तो ये इतना बड़ा का रिएक्शन करने की जरूरत थी नहीं ना, लेकिन रिएक्शन भी देख लो, मार्बल पत्थर को अगर जलाओगे ऐसे ऐसे रिएक्शन होगा तो चूना निकलेगा, समझ गए? हाँ हाँ स्टैटिक में एक विचारक के रूप में इनको पढ़ाया हूं। हेनरी मूर प्रभावित थे माया एजेटक। अब देखो ये सवाल यार घिसा पिटा, मैंने 10 मरतबा आपको पढ़ाया है। माया एजेटक जो अमेरिका की प्राचीन सभ्यता रही है उससे रिलेटेड है ये। अगला सवाल देखो, विज्ञापन डिजाइन में ओरिजिनेटर्स ऑफ वर्क, ओरिजिनेटर्स ऑफ वर्क के प्रयोग को कहा जाता है? हेडलाइंस, क्रेडिट लाइन, शीर्षक, उपशीर्षक। क्रेडिट लाइंस ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है?
अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए तो लंदन को ही माना गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसका कितना सही हुआ है, फटाफट करें जवाब और लगे हाथ। एक बात और सारे लोग जान लीजिए बच्चों, जानना ये है कि अभी आप सभी लोगों के लिए ये जो बैचेस मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये नेट और जेआरएफ का एकदम खतरनाक प्रैक्टिस मंत्रा होगा। प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें हम कुछ विशेष तथ्यों की भी क्लास लेंगे और इसकी शुरुआत भी हमने कर रखी है। जैसे शिक्षण तकनीकी और चित्रण तकनीकी और माध्यम पर क्लास लिया हमने, इसी तरह से जो प्रमुख विधियां हैं, शब्दावलियां हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं, उन सभी को, जो फेमस चित्र हैं उनके बारे में भी आपसे अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो नया बैच शुरू हो रहा है मंडे से, सोमवार से ऑफलाइन नया बैच शुरू हो रहा है, ऑफलाइन नया बैच शुरू हो रहा सोमवार से। और इस बैच में बच्चों हमने जून के लिए रणनीति बनाई हुई है कि कैसे 60 दिन के अंदर आप परीक्षा पास करेंगे। मैं सही गाइडेंस, सही मटेरियल, सारी चीजें आपको दे रहा हूं, तो आप लोग जुड़िए हमारे सेशन से। ऑफलाइन आइए, संडे वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, हर संडे को सुबह में 8 बजे से 125 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, 125 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस एंड मोस्टली न्यू क्वेश्चंस। जो हम आपसे पूछते हैं वो ज्यादातर नए सवाल होते हैं, पुराने सवालों को मैं बहुत कम ऐड करता हूँ। तो अगर आप इच्छा रखते हैं मेरे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने की, तो निश्चित तौर पर मेरे इस सेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं। और मेरे इस सेशन के साथ, जैसे 7 बजे क्लास आपको मिल रही है, इसी क्लासेस में आपको मैं अलग अलग तरह की चीजें, 6 बजे वाली क्लास में ऑब्जेक्टिव या इस तरह से चीजें करवाता हूँ। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, आप चाहें तो नेट की तैयारी के लिए ऑफलाइन भी आ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि एक बार ऑफलाइन जरूर कोचिंग कर लेना चाहिए। 4 से 6 महीना, 7 महीना आपका खर्च होगा, लेकिन यकीन मानिए कि एक बार अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी आपको रिवीजन करना है। मैं कई बार कह देता हूं कि मोहब्बत और पढ़ाई दोनों बात एक बार तसल्ली और दिल लगा के की जाती है, फिर जिंदगी भर मोहब्बत बिछड़ने पर पछतावा और जिंदगी भर पढ़ाई छूटने पर रिवीजन ही करना पड़ता है। तो खूब तसल्ली से, खूब ईमानदारी से, खूब जहनीत के साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। मुझसे जितना बन पाएगा मैं आप सभी के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। बस टारगेट यही है कि आप किसी भी तरह से अपनी परीक्षा को इस मुकाम पर ले जाइए कि आपको ये बेरोजगारी का दंश ना झेलना पड़े। अगर मेरे लायक कोई आपके लिए सुझाव है तो आप मुझे जरूर बताइए, वो मैं करने की कोशिश करूंगा। जैसे पब्लिकली फ्री क्लासेस में सब दे पाना बच्चों मुश्किल नहीं, मुश्किल है, क्योंकि हजारों बच्चे जो एप्लीकेशन पर एडमिशन लेके पढ़ते हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं पब्लिक क्लास में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पब्लिक क्लास में, तो जरूर मुझे बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे ही क्लियर करा दूं। तो जिनको भी जो टॉपिक पढ़ना है मुझे जरूर कमेंट कर देंगे, हमारे इसी चैनल के लिंक पे जाके कमेंट कर देंगे, या मेरा पर्सनली अगर आप किसी से जुड़े तो मुझे बता दीजिएगा। त्रिषा कह रहे हैं कि हम अगर इलाहाबाद में होते तो ऑफलाइन जरूर आते। लोग इलाहाबाद में नहीं हैं, लोग घर से इलाहाबाद आते हैं और पढ़ के फिर जाते हैं। तुम्हारे लिए इलाहाबाद में स्पेशल प्रोग्राम होता कि तुम इलाहाबाद पैदा हुई होती तो बहुत कुछ होता, कुछ नहीं होता। लोग बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, पति छोड़ के जाता है और सास वहां से गेहूं चावल भिजवाती है, तब तरक्की होती है। अभी आज ही एक बच्ची आई है, अपने पति के साथ आई थी, क्लास लिया उन्होंने, अच्छा लगा। वो पहले ऑनलाइन ही पढ़ती थी, अभी आज से उन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन करा है, स्पेशली मेरा क्लास पढ़ने वो आई है। तो आप भी बेटर ट्राई कर सकते हैं अपने लिए, अगर परीक्षा पास होना है तो बिल्कुल एक बार आप आ सकते हैं।
तो चलो आज के सेशन में इतना ही। एप्लीकेशन पर क्लास नहीं होगी, मैं पहले बता दूं, आज एप्लीकेशन पर क्लास नहीं होगी। जो बच्चे हैं एप्लीकेशन के मैक्सिमम तो हैं ही, ऐप पे क्लास नहीं होगी, मुझे कहीं जाना है बाहर, तो आज की क्लास यहीं रुकेगी। सारे लोग सुन लिए तो मुझे एक बार बता दें, ऐप पर क्लास नहीं होगी। आई रिपीट, ठीक है? तो चलो आज के लिए सभी को थैंक यू, मिलते हैं फिर से कल। थैंक यू टू ऑल।